बहुत ही मज़ेदार और हेल्थी और डाइट इस तरह का खाना मैं बनाने जा रही हूँ, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी रहता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इजी तरीका है, सिर्फ गेहूं के आटे से बना है और रहर की दाल इसमें डाली गई है। बहुत ही अच्छा टेस्टी ये खाना है। तो मैंने एक कप दाल लिया था, उसको मैं मलमल कर इस तरीके से धो रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये हर घर में बहुत आसानी से बन सकता है और ये फेमस है यूपी बिहार के घरों में। तो इस तरीके से मलकर मैं इसको धो रही हूँ, जब थोड़ा सा पानी अच्छा दिखने लगेगा तो हम इसको थोड़ा और पानी मिला के गैस पर रख देंगे। मैंने गैस पर रख दिया इसको और ढक देती हूँ इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए, ताकि हमारा दाल गर्म हो जाए, और फिर स्लो कर दूँगी ताकि दाल खोलते रहे। और आटा लिया है मैंने 5 लोगों के लिए, लगभग 2 बड़ा कप लिया है। उसमें हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची की पाउडर डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ उसके अंदर, और तेल नहीं डाला मैंने, तेल स्किप किया है क्योंकि डाइट बोले तो तेल कम यूज करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूंथ रही हूँ। आप रोटी बनाओ या पूरी बनाओ या पराठा बनाओ, आप जब भी आटा गूंथते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंथना है। उससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ कितना पानी हमारे आटे में चाहिए। और ये एक ट्रिक भी है, ट्रेनिंग भी है अपने आप आटा अच्छा सानने के लिए, क्योंकि एक साथ अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा, या फिर बहुत कम पानी में हम आटा गूंद लेंगे तो हमारी रोटी एकदम सख्त कड़क और थोड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी, खाने में टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। तो मीडियम आटा गूंदना चाहिए। और इस तरीके से देखिए आटा मैं गूंद रही हूँ और फटाक से, मतलब मेरे हाथ उसमें धंस जा रहा है। ये गीला नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट नरम है। गीला वो रहता है जो हाथ में पूरा अच्छे पक जाता है, लेकिन ये हाथ को मेरे छोड़ रहा है, ये गीला नहीं है। तो इस तरीके से इसको गूंद लेना है जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ। और थोड़ा सा 1 चम्मच घी लगा दूँगी इसके अंदर, वो भी देसी घी डाल रही हूँ ताकि ये नरम और मुलायम हो। और जो भी मैं सामग्री डालूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूँगी। घी डाल दिया मैंने उसमें और उसको घी को आटे में अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए हमारा आटा तैयार हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कड़क रखा है मैंने, बहुत सॉफ्ट नहीं किया है, जिससे रोटी का आटा और भी सॉफ्ट होता है, उतना सॉफ्ट नहीं किया, थोड़ा सा कड़क रखा है, क्योंकि इसको हम पानी में पकाएंगे, दाल में डाल के पकाएंगे। देखिए ये हमारा आटा तैयार, इसको थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे और तब तक हम दाल को देख लेते हैं। दाल देखिए हमारी अच्छे से उबल रही है और इसका फेनस आ गया है, तो मैंने चम्मच से निकाल दिया और इसके अंदर हल्दी और नमक डाल के रख दिया है पकने के लिए। देखिए हमारी दाल आधी पक गई है। आप दाल को कुकर में भी पका सकते हैं या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही दाल पका सकते हैं पहले से। और एक लोई ली है, ये जो रोटी बनाते हैं ना उसकी डबल या ट्रिपल आप रोटी का आटा जो लेती है उस तरीके ले सकते हैं। आप भी आपकी रोटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पतली रोटी बनाते हैं। तो मैंने लोई को थोड़ा बड़ा आकार का लिया है, डबल रोटी का बोलिएगा, थोड़ा मोटा रखा है और इस तरीके से ये काट रही हूँ। आप भी जैसे शेप में काटना चाहे, चौकोन काटना चाहे चौकोन रखिए, या फिर आप इस तरीके से ट्रायंगल काटना चाहे ट्रायंगल रखिए, या फिर इस तरह के बर्फ़ी के आकार के काटना चाहे बर्फ़ी के आकार का रखिए, जैसा आपको पसंद हो, या फिर ग्लास से गोल गोल काट के भी आप डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है। और एक एक करके मैं इस दाल के पानी में डाल रही हूँ, हमारा दाल भी पकेगा साथ में ये आटा ही पकेगा। और ये दल पिठोरी हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, खाने में तो इतनी अच्छी लगती कि पूछ नहीं सकते। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और हमारा दाल भी लगभग पक चुका है। अब ये हमारी जितना भी आटा मैंने गूंथा था मैंने इस तरीके से काट कर दाल के अंदर डाल दिया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये इजी तरीके से रेसिपी अपने घर में बनाइए, हेल्दी और टेस्टी भी।
देखिए इस तरीके से मेरा दाल पिठोरी तैयार है। मैंने थोड़ा सा घी लिया है, अलग से तड़का दे रही हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालूँगी मैं और थोड़ी सी सरसों के दाने डालूँगी। तड़के के लिए ये अच्छा लगता है। और अच्छे से इसको तड़क जाने दूँगी, तड़क तड़क की आवाज़ होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में जब तड़कता है। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ, 2-3 कलियाँ काट कर बारीक बारीक। तो जैसे ही वो तड़क अच्छे से हो जाए, तड़कने लगे, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए लहसुन का, उसके बाद एक छोटा प्याज डाला है मैंने, हरी मिर्ची डाली है और उसको चला रही हूँ ताकि प्याज हर जगह से भुना जाए। थोड़ा सा हींग डाला है मैंने और छोटा टमाटर डाला है। आप छोटा टमाटर एक डाल सकते हैं या फिर बड़ा है तो आधा डाल सकते हैं। इसी तरीके से उसको फ्राई कर लेना है और तड़का दे देना है जिस तरीके से मैंने तड़का दिया है। बहुत ही अच्छी दाल पिठोरी ये तैयार हो रही है। और थोड़ा सा हरे धनिया से सजा देंगे। हमारा हेल्दी टेस्टी नाश्ता तैयार है। हर घर में ये आसानी से बन सकता है और ये रेसिपी बहुत ही आसान ईजी है और बहुत ही हेल्दी फूड है। तो ऐसे बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा।